श्रद्धा कपूर की हंसी और उनकी मासूमियत का तो हर कोई दीवाना है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि श्रद्धा कपूर के फैंस नहीं जानते होंगे। चलिए वीडियो को ज्यादा देर ना करके स्टार्ट करते हैं। श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मई 1987 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता का नाम अभिनेता शक्ति कपूर और उनकी माता का नाम अभिनेत्री शिवांगी कपूर है। श्रद्धा कपूर बचपन से ही फिल्मों में अभिनय करना चाहती थी, इसलिए वह आईने के सामने अपने माता पिता का पोशाक पहनकर अभिनय का प्रयास करती थी। श्रद्धा कपूर की स्कूली शिक्षा 15 वर्ष तक मुंबई के जमनाबाई नर्सरी स्कूल से हुई। फिर वो मुंबई से अमेरिकन स्कूल में चली गई, जहाँ पर उनके दोस्त अभिनेता टाइगर श्रॉफ और अभिनेत्री आतिया शेट्टी थी। श्रद्धा कपूर पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल खेलना और हैंडबॉल खेलना भी अच्छा लगता था, लेकिन फिल्मों में प्रस्ताव मिलने की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रद्धा कपूर को सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए उन्होंने लता मंगेशकर के चचेरे भाई से संगीत शिक्षा ली है। श्रद्धा कपूर बचपन में अपने पिता शक्ति कपूर के साथ फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर जाया करती थी, लेकिन एक बार वो डेविड धवन की शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गई। वहां पर उनकी मुलाकात वरुण धवन से हुई। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर बचपन में दोस्त बन गए थे। वो शूटिंग लोकेशन पर जाकर खेलते थे और गोविंदा के गाने पर डांस भी करते थे। 2010 में आई फिल्म 3 पत्ती श्रद्धा कपूर की पहली फिल्म थी, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं हासिल हुई। फिर श्रद्धा कपूर ने दूसरी रोमांटिक फिल्म की, जिसका नाम था आशिकी 2। श्रद्धा कपूर को आशिकी 2 से नई पहचान मिली और उनकी ये फिल्म सुपरहिट भी साबित हुई। इसके बाद श्रद्धा कपूर ने एक से बढ़कर एक फिल्म की, जो भी सुपर डुपर साबित हुई। आपको श्रद्धा कपूर की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, आप कमेंट करके जरूर बताइए।